जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। कहते हैं कि ये वृंदावन धाम है और ये वो ब्रज है जिस धरा पे भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में अनेकों अनेक लीला करी, और आज भी यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो उनकी अपनी भाव है, आज भी उनको अपना एक सखा मानते हैं। तो देर ना करते हुए मैं कन्हैया पांडे आज आप सबको एक बहुत सुंदर और बहुत छोटा सा, अब भावना है हमारा कि हम उसे किस भावना से देख सकते हैं, लेकिन मेरे भावना में तो एक नटखट और जिसे कट्टर ब्रजवासी कहते हैं, अभी ही वो इतना अगर कट्टर है तो आगे चल करके हमारे ये ब्रजवासी भाई आगे क्या करेंगे, ब्रज की कितना गरिमा बनाएंगे बचाएंगे, ये तो मुश्किल से अभी हम इनकी आवाज़ को सुनेंगे। तो हमारे साथ छोटे से बालक, आप देख रहे हैं इनको, लक्ष्य शर्मा जी। एक कहावत है, जतो नाम ततो गुण। नाम का जो जीवन में प्रभाव होता है ये निश्चित है कि होता है। लक्ष्य इनका नाम है और लक्ष्य के साथ ये क्या आगे चल करके करना चाहते हैं, अभी इनकी जीवन शैली क्या है, यह हम इनसे पूछते हैं। आइए, अभी तक अगर आपने हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। लक्ष्य जी, राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम, पूरा नाम क्या है? लक्ष्य शर्मा। आप कहाँ रहते हैं? छठीकरा ब्रज में। छठीकरा ब्रज के उस साइड। छठीकरा तो ब्रज में ही है ना? सबसे बड़ी इनकी दिल, और आप भी देख रहे होंगे इनकी मुस्कुराहट, ये एक अलग है, क्योंकि आज भी जैसे ठाकुर जी की जो श्री विग्रह पे जो मुस्कुराहट होती है, इनकी वो मुस्कुराहट का मैं भी आज घायल हो गया हूँ देख करके। तो आप अभी करते क्या हैं? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ और यूट्यूब पे चैनल है मेरा। अच्छा, अभी यूट्यूब चैनल भी बना चुका आपने? क्या नाम से चैनल है? ब्राह्मण लक्ष्य ब्लॉग्स। ब्राह्मण लक्ष्य ब्लॉग्स। देखिए, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं और जो चैनल का आप शीर्षक देख रहे हैं कि ब्रज का चाणक्य, चाणक्य तो एक वो थे जो अपने एक शिष्य बनाए चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन हमारे यहाँ एक चाणक्य है ब्रज में भी, एक छठीगढ़ में चाणक्य हैं। ब्राह्मण लक्ष्य ब्लॉग्स, उसमें क्या दिखाते हैं? अपनी लाइफ स्टाइल्स दिखाता हूँ। ओह, तो मैं आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप इनके जो चैनल है उसको आप उसके लिंक को खोल के आप उसे देख सकते हैं कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसा है, कैसा कैसा लाइफ स्टाइल दिखाते हैं उसमें। मैं उसमें अपनी बूढ़ी माताओं की सेवा करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ और ब्रजवासियों की सेवा करता हूँ। अच्छा, तो आपका उम्र कितना अभी? 12 साल। मात्र 12 साल में आपको गौ सेवा, ब्रजवासी सेवा, ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, कृष्ण जी ने भी तो, तीनों लोक के मालिक जो हैं उन्होंने भी तो सेवा करी थी इसी उम्र पे। अरे वाह, देखते हैं आप, देखते रहिए आज की ये जो बहुत ही गंभीर अध्यात्म मीडिया वृंदावन के द्वारा जो आप ये चैनल, आज आप ये लक्ष्य जी के साथ हम लोग जो ये वार्ता देख रहे हैं, वास्तव में ये वार्ता हमें भक्ति की ओर भी ले जाएगा, निश्चित है, हम लोग अभी देखेंगे। तो गौ सेवा में क्या करते हैं सर? मैं गौओं को चारा डालता हूँ और उन्हें कुछ पानी वानी भी पिलाता हूँ। और वृद्ध महिलाओं का क्या, कैसा सेवा करते हैं? वृद्ध महिला को मैं कुछ अनाथालय और जो माँ धाम वगैरह हैं उनमें पैसे बांटता हूँ, कुछ खाने पीने की भी चीज़ें देता हूँ। ये पैसे कहाँ से लाते हैं आप? पैसे तो पापा के हैं। बात सही है, आत्मा जो जायो तो पुत्र, एक कहते हैं कि पिता का दूसरा ही स्वरूप पुत्र होता है, और बाढ़े पूत पिता के धर्म में और खेती उपजे अपना कर्म में, पिता के धर्म से ही पुत्र बढ़ता है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप अभी आगे चल करके क्या करना चाहेंगे? मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट, जज। ओ वाह भाई, हाईकोर्ट का जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है? नहीं, हाईकोर्ट का जज बनना है। वाह, तो अभी आपके पापा जी का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम है राजेश शर्मा, मिस्टर राजेश शर्मा। मिस्टर राजेश शर्मा, वाह, रिस्पेक्टेड लैंग्वेज।
आपके बाबा जी का क्या नाम है? मिस्टर हरिमोहन शर्मा। तो आपके पापा जी, आपके बाबा जी आपको कैसा शिक्षा देते हैं? मुझे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, भगवान जी के बारे में भी बताते हैं, ब्रज के बारे में बताते हैं और जीके की भी नॉलेज देते हैं। तो ये वृंदावन में आपका जन्म हुआ, ब्रज में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना जन्म लिया। तो आप अब तो जान गए होंगे कि इसी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो वो आपको महसूस होकर के, यानी मतलब कैसा खुशी होता है? कि हम उनके जगह पर, रहने वाली जगह पर रहते हैं, बहुत अच्छी सी खुशी होती है और पॉजिटिविटी आती है अंदर से। अरे वाह, पॉजिटिविटी आती है, क्या बात है। इनकी इनकी वर्ड्स को देखते रहें। आप वृंदावन में अन्य दर्शन जैसे नंदगांव, वर्षाना, गोवर्धन कहाँ कहाँ गए अभी तक आप? मैंने नीलकंठ जी के दर्शन करे हैं, प्रेम मंदिर, बिहारी जी, गोवर्धन, बरसाने, हाँ गया हूँ बहुत सारे मंदिर। अच्छा, आपके पास में कोई, आपके घर के आसपास कौन सा मंदिर है? गरुड़ गोविंद जी का मंदिर। यहाँ जाते हैं? हाँ जाता हूँ। तो ये लक्ष्य शर्मा जी हैं, अभी आपने इनको सुना होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं वो आप लोग जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कभी ताने नहीं मारते हैं कि तुम ये सब क्या करते हो? नहीं, क्यों मारेंगे, उनका क्या जा रहा है। अच्छा, वो आपको मतलब आपको ये स्टाइल ज़्यादा पसंद है? हाँ, मेरे को ये बहुत पसंद है करना। बड़े होकर के भी ये करते रहेंगे? हाँ, करता रहूँगा। जज बन करके फैसला कैसा कैसा दिया करेंगे? मैं जो सही होगा उसका ही फैसला दूंगा। क्या बात है, भगवान श्री कृष्ण भी न्यायाधीश रहे, क्योंकि न्यायाधीश नहीं होते तो महाभारत में पांडवों के तरफ नहीं होते। तो ये हमारा ब्रज है और ब्रज के जो बालक हैं इनकी एक शौक देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। खाना आपको कैसा पसंद है? स्ट्रीट फूड। ओहो, क्या बात है। और ठाकुर जी का भोग कभी मिल जाए तो? बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब डबल रिपीट वर्ड को, डबल रीड, बहुत बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जैसे आप जो भगवान की जन्माष्टमी आ रही है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी पर आप क्या करना चाहेंगे? मैं उनका व्रत रहूँगा कृष्ण जी का, और जो हमारे बच्चे लोग घूमते हैं सड़कों पर गरीब, उनको मैं कुछ खिलाऊँगा, और हो सकेगा तो मैं उन्हें स्कूल के लिए भी जाने के लिए कहूँगा। अच्छा, मतलब वो जो घूम रहे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरणा भी देंगे और व्रत भी रखेंगे। अरे यार, अभी तो मूवी वूवी जाने का समय है, अभी तो तुम्हारा उम्र, ये सब क्यों पूजा पाठ करते हैं आप? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही रहता हूँ जब से। तो ये हमारे लक्ष्य जी हैं, और जैसे यात्री जो यहाँ आते हैं तो उन यात्रियों के लिए सेवा आप क्या करना चाहेंगे कि हाँ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि ये ब्रजवासी हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ब्रजवासी बालक हैं, इनकी उम्र महज 12 साल है, और 12 साल के बच्चा एक ब्रजवासी जिस प्रकार से अपना एक श्रद्धा और एक अपना भाव ब्रज के प्रति रखे हुआ है, हमें उस भाव के तरफ हमें चल करके और उसे मनन करना है, उसे देखना है कि ब्रज के बालक कैसे होते हैं। तो यात्रियों की सेवा में आप क्या करना चाहेंगे लक्ष्य जी? मैं जगह जगह पर पानी के प्याऊ लगवाऊंगा, सब्जी पूरी भी बटवाऊंगा जगह जगह। तो ये प्याऊ भी लगवाएंगे, सब्जी पूरी भी व्यवस्था करेंगे यात्रियों के लिए। छोटा सा बालक है ये लक्ष्य शर्मा जी, और जो एक शौक है, वास्तविकता में ऐसा शौक सबको होना चाहिए, होना चाहिए। जो ब्रज का वासी है उसे तो जरूर होना चाहिए, जो ब्रज में है उनके तो जरूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भाव कृष्ण जी में भी था, जो इधर जिन्होंने जन्म लिया, तीनों लोक के जो मालिक हैं उन्होंने भी यहाँ सेवा करी, हम भी करेंगे। वाह क्या बात है। तो कुल मिलाकर के ये लक्ष्य का, ये लक्ष्य है कि हमें अच्छा से अच्छा बनना है और अपनी ब्रज भूमि की धरा को, जो इसकी महिमा है, उस महिमा को हमें बचाने में अपना सहयोग भी प्रदान करना है। तो जैसे लक्ष्य जी, आपसे एक सवाल और मैं पूछूंगा, आप जो समाज सेवा करते हो,
और आपका जो शौक है वो करना, यात्रियों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, तो ऐसा शौक नहीं है कि हम 2005 घर पे गौ माता को पाल करके या गौशाला में जा करके गौ माता का जो सेवा है? गौशाला में जाके मैं सेवा करता हूँ। गौशाला में सेवा करते हैं? करता हूँ। गौ माता को किस नज़र से देखते हैं आप? मैं कृष्ण जी के भाव से देखता हूँ गौ माता को। मतलब वो माँ है ना? हाँ। तो ये कृष्ण जी के भाव से देखना सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो परिवेश है, आज के जो भौतिक सुख सुविधा में हमारे बच्चे पल रहे हैं, बच्चों को हम जो साधन दे रखे हैं, पढ़ाइए, ये भी एक बच्चा है। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले बच्चों को भारतीय संस्कृति यानी भारतीय अपना जो धर्म का जो स्तंभ है, उस स्तंभ के प्रति भी उसे हमें समझाना है कि तुम्हारा ये सनातन धर्म एक स्तंभ है और इस स्तंभ को बचाना। महज एक 12 साल का बच्चा, इसका इतना शौक है और इस शौक को ये अपडेट करके चल रहा है और आगे भी टाइम टू टाइम अपडेट करके चलेगा, तो ये भी एक हमारा संस्कार है। आपको गर्व होता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए? हाँ, मुझे बहुत गर्व होता है। अच्छा, तो आपके ब्लॉग में ऐसा आपने क्या बनाया है ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग करी है, अभी आगे होगा बहुत। कितने सब्सक्राइबर हैं? 61। भाई, मैं अध्यात्म मीडिया वृंदावन के चीफ एडिटर कन्हैया पांडे जी और इस चैनल के स्टेट ब्यूरो, उत्तर प्रदेश स्टेट के ब्यूरो, हमारे आदरणीय बड़े भैया राजेश शर्मा जी, आपका ये छोटा सा बालक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी ब्लॉग की जो इनकी जो चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, उसे खोलें और तुरंत इमीडिएट सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी सपोर्ट्स, आपकी एक वोट एक बालक, ऐसे बालक को जाएगा जो ब्रज के गरिमा को अपना हृदय मानता है, जो अपने ब्राह्मण समाज को एक अच्छा दृष्टि से गौरवान्वित होता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेके मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी जो स्टाइल है, स्टाइल में आप खूब लंगे, लेकिन ऐसे बच्चों का भी स्टाइल को हम फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर। बाकी बिहारी जी गए हैं कभी? हाँ, बहुत बार गए हैं। बाकी तो बिहारी जी जा करके बिहारी जी से आप क्या मांगते हैं? मैं कि ये ब्रज अपनी जो संस्कृति है उसे ना भूले। वाह, क्या बात है। और मेरा पढ़ाई में मन लगा रहे। आजकल वृंदावन में खूब घटना होता है, आपको पता है, चलता है कुछ वृंदावन में? खूब यात्री आते हैं, भीड़ खूब होती है सब, इससे इसको लेकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे? भीड़ तो वो बिहारी जी से प्रेम करते हैं इसलिए। वाह, क्या बात है, फिर से एक बार बोलिए। वो बिहारी जी से प्रेम करते हैं। क्या बात है। बहुत लोगों ने ये कह डाला कि वृंदावन ना आए, लेकिन अब एक बात आप बताएं, इस 12 साल के बच्चे को किसने समझाया? भाई, बांके बिहारी जी से जिनका प्रेम है वो तो ब्रज में आएंगे ही। रही बात व्यवस्था को, तो वो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के स्थानीय निवासी बैठ कर के सोचे समझे कि यात्रियों की व्यवस्था कैसे करनी है। बने रहिए हमारे साथ, लक्ष्य शर्मा जी के साथ आज आपका हमारा वार्ता जो हुआ वो आप हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों आपने देखा, कैसा लगा हमें आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और इसके चैनल के लिंक को हम शेयर कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ओपन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट करें। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, बस मेरे को सपोर्ट करें और आप भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप करें। वाह, क्या बात है। पूरी वीडियो एक तरफ और लास्ट की ये दो शब्द एक तरफ, ठीक है। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन से मैं कन्हैया पांडे, जय श्री कृष्ण।